Kusum. अरे अरुंधति, मैंने निकिता को भेजा था सूप लाने. कोई बात नहीं, तू अभय को सूप पिला, मैं कुसुम को भेजती हूँ. लेकिन कुसुम है कहाँ? चाची, ये अभय को इतना पसीना क्यों आ रहा है? कौन सा सूप है, दिखाइए सर. क्या बात है कुसुम? पापा देखिए ना, इस सूप में इतना नमक है और ये अभय को पिलाया जा रहा है, जबकि सब जानते हैं कि डॉक्टर ने मना किया अभय को ज्यादा नमक से. अरुंधति, तुम ये क्या कर रही हो? जानती हो कि अभय के लिए ज्यादा नमक जहर हो सकता है, फिर भी तुम उसे दिया जा रही हो. भाभी, मैंने ये प्लेट नहीं बनाई थी, ये खाना तो निकिता ने मुझे डाल के दिया था. तो मैंने उसमें ज्यादा नमक डाला है क्या? मैं तो फोन सुनने गई थी, तुम्हें पीछे से ज्यादा नमक डाला होगा. मैं क्यों डालूंगी अभय के खाने में ज्यादा नमक? अभय मेरे बेटे जैसा है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम मुझसे चिढ़ती हो, इसीलिए मुझे फंसा रही हो. चिढ़ती मैं नहीं हूँ निकिता, तुम मुझसे चिढ़ती हो. इसीलिए तो जब मेरी बेटी यहाँ आ रही थी, तब सोहन का कमरा तुमने खाली करके नहीं दिया उसके लिए. अब समझ, तो उसी बात का बदला ले रही हो तुम. बस अब तुम दोनों चुप करो, शर्म नहीं आती? इतने सारे लोग हैं यहाँ और हम कोई तुम दोनों पे शक नहीं कर रहे. होगी होगी गलती किसी से. मिस्टर अभय कपूर, ये तो सिर्फ नमक का कमाल था. अगर मिर्च डाली होती ना, तो रिश्तों में आग लग जाती. चलो अभय, केक काटते हैं. अभय, हैप्पी बर्थडे. क्यों आई हो तुम? चली जाओ यहां से. मम्मी जी प्लीज, आज अभय का जन्मदिन, कम से कम आज के दिन मुझे अभय से दूर मत कीजिए. अभय ठीक हो जाए इसके लिए मैंने मन्नत मांगी. मम्मी जी, एक बार अभय ठीक हो जाएगा, मैं खुद यहां से चले जाऊंगी. निशाकी, लेकिन प्लीज आज मुझे यहां से मत निकालिए. बंद करो तुम्हारा ये रोना धोना, ना तो अब तुमसे कोई हमदर्दी है, ना तो कोई लगाव. बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब तुम पे विश्वास नहीं है. अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा. समझती क्यों नहीं हो? जाओ यहां से. मैं आज के दिन ना ही किसी का दिल तोड़ना चाहती हूँ, ना ही किसी की बद्दुआ लेना चाहती हूँ. लेकिन कुसुम, क्या पता इसी की कोई दुआ हमारे काम आ जाए. वैसे भी मम्मी, भाई को लेकर ना मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती. और चाहे हम ये बात कितनी भी क्यों ना अवॉइड कर लें, लेकिन माही अभी अभय की ऑफिशियल वाइफ है. इनका लीगल डिवोर्स नहीं हुआ है और ये प्रॉपर्टी में भी 20% की हकदार है. इसलिए कानूनी तौर पर भी हम माही को यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते. इसलिए
तुम यहां रह सकते हो। किस मिट्टी की बनी हो कुसुम? जिस औरत ने कभी तुम्हारी भलाई के बारे में सोचा तक नहीं, उसकी भलाई के बारे में सोच रही हो? मम्मी, मुझे सिर्फ अपने अभय की फिक्र है। करने के लिए माफी चाहता हूँ। किसी भी साहब, आप यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि अभय को हॉस्पिटल से ले जाते वक्त जिन लोगों ने उन पर हमला किया था, उनमें से एक गिरफ्तार हो गया है। वैसे पूछताछ में उसने इतना बताया है कि उसे इस काम के लिए किसी औरत ने पैसे दिए थे। वो औरत कौन है ये भी जल्दी पता चल जाएगा। वैसे आप लोगों को अगर किसी पर शक हो तो आप लोग भले ही कुछ ना कहें, लेकिन मेरी नजर सब पे है। अब बस मुझे ये जानना है कि अभय कपूर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है। अब तो हमें भी जानना है कि हमारे बेटे को कौन मारना चाहता है। आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कीजिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। थैंक्स। सारे अखबारों में एक ही खबर छपी हुई है, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अभय कपूर पे दूसरी बार जानलेवा हमला हुआ है। हाँ, और इसी न्यूज के कारण हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम बहुत गिर गए हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन मीडिया वाले इस बात को कुछ और रंग दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई बाहर का नहीं बल्कि हमारी कंपनी का कोई आदमी है जो अभय पर हमले पे हमले करवा रहा है, और ये सब कुछ ओनरशिप हथियाने के लिए हो रहा है। इससे पहले कि हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो, हमारे शेयर्स के दाम और कम हो, हमें यह डिसाइड करना होगा कि जब तक अभय ठीक नहीं हो जाता, कपूर इंडस्ट्रीज का चेयरमैन कौन होगा। इसका मतलब भाई साहब, हमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवानी होगी। यू आर राइट, और ये मीटिंग कल ही बुलाओ। ओके जी भाई साहब। हाय हाय, ये क्या खबर सुना दी मिस्टर अभय कपूर, तुम्हारी सरकार तो गई का। अभय, तुम अकेले कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाते होगे ना। डोंट वरी, मैं ना तुम्हें घुमाने ले जाती हूँ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारे घर में क्या क्या चल रहा है। एंड यू नो व्हाट, आज मैं तुम्हें वो करके दिखाऊंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं। चाची, आप अकेले क्यों काम कर रही हो? राम सिंह कहाँ है? तुम ये अभय को लेके कहाँ घूम रही हो? वो क्या है ना चाची, मैंने सोचा अकेले कमरे में बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो मैं अपने साथ ही ले आऊं। मैं आपकी कोई मदद करूं चाची? एक काम करो, अभय के लिए ये पराठे ले लो। सो स्वीट चाची, थैंक यू सो मच। अरे वैसे आपने घर की खुशखबरी सुनी? कैसी खुशखबरी? यही, जब तक अभय इस हाल में है
तब तक ललित चाचू कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे। क्या? हाँ, वैसे सच कहूँ चाची तो मुझे तो सच में लग रहा था कि कंपनी का नया चेयरमैन कपिल चाचू को बनना चाहिए, क्योंकि पापा के बाद तो वही घर के बड़े हैं ना। लेकिन अब पापा ने डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। वैसे पराठों के लिए थैंक यू चाची। अब चाची मुझे अभय के लिए एक ग्लास जूस मिलेगा? मैं देती हूँ। थैंक यू चाची। अभय डार्लिंग, ये तुम्हारा फेवरेट जूस है ना? मेरा भी है। ओह आई एम सॉरी, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना? मैं तो पूरा पी गई, लेकिन थोड़ा सा है। खोलो खोलो मुंह। गुड बॉय जी, तुम सब कुछ गिरा देते हो अभय। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें दो घूंट तो मिला कम से कम। तुम बार बार पराठों को क्यों देख रहे हो? वो तुम्हारे लिए नहीं है अभय। किसके लिए है ये मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। चाची, अरे कुसुम, अभी कैसा है? अब बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली मैं अभय को ये घुमा रही थी तो सोचा आपके लिए गर्मा गर्म पराठे ले आऊं। सो स्वीट। सबने नाश्ता कर लिया? जी, आप भी खाइए ना। क्या हुआ चाची? नमक बहुत ज्यादा है। पता नहीं हमारे घर में क्या हो रहा है, खाने की हर चीज में नमक इतना ज्यादा क्यों हो जाता है। सॉरी, मैं आपके लिए दूसरा पराठा। नहीं नहीं, तुम इतने प्यार से लाई हो, मैं ऐसे ही खा लूंगी। बस चाची, मैं तो यही चाहती हूँ कि ये प्यार और ये खुशी हमेशा हमारे परिवार में बनी रहे। और चाची, ये जो नए चेयरमैन का डिसीजन है ना, ये भी बिल्कुल शांति से हो जाए। वैसे चाची, मुझे तो लगता है कि लाली चाचू ही इसके सही हकदार हैं। आखिर उन्होंने तो हमेशा अभय की मदद की है। और क्या, ललित के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। सोचती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन सुना है कि कपिल चाचू भी काफी तगड़े कैंडिडेट हैं। एक्चुअली क्या है ना कि पापा के बाद तो सबसे बड़े वही हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि पापा उन्हें ही बड़े होने से क्या होता है, बिजनेस करना भी तो आना चाहिए। अब देखो, अभी सबसे छोटा था लेकिन बिजनेस के काबिल ये था, इसीलिए ये चेयरमैन बना। और अब चेयरमैन ललित को ही बनना चाहिए, क्यों कुसुम? अब मैं क्या कह सकती हूँ चाची, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरा अभय जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मैं चलती हूँ चाची, आप पराठा जरूर खाइएगा। अब लगता है नमक सही तरीके से घुल गया है। मैंने तुम्हारे घर में महाभारत की तैयारी शुरू कर दी है। अब देखो, एक तरफ है कौरव, एक तरफ है पांडव। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सब इतने समझदार थे और ये सारे बेवकूफ, शायद इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे ना, एक बात कह पाना मुश्किल है कि इनमें कौरव कौन है और पांडव कौन है, लेकिन मैं एक बात कह सकती हूँ कि इस महाभारत की कृष्ण मैं और तुम्हारी साथी भी। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप।
छी अभय, तुम खाते कम हो गिराते ज्यादा हो। तुम्हारे साथ भी ना अभय, I'm so sorry। मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। मैं तुम्हें साल में नहीं देख सकती अभय, नहीं देख सकती। मम्मी जी, बच गए। ये बुढ़िया भी ना हर जगह टपक जाती। एक दिन तो ये मेरा बेटी, हिम्मत रखो बेटी। अगर तुम इस तरह से टूट जाओगे तो अभय का क्या होगा? और हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटी। हम सब मिलकर हमारे अभय को ठीक कर देंगे बेटी, ठीक कर देंगे। पापा, अगर आप ही इस तरह टूट जाएंगे तो आप तो मेरी हिम्मत है पापा। अगर आप सबका आशीर्वाद रहा ना तो मैं इस घर की सारी खुशियां वापस ले आऊंगी, सारी खुशियां। इस घर को तुमसे बहुत उम्मीद है, उसे पूरी करना। ऑफ कोर्स डैडी जी, मैं आपकी हर उम्मीद पर खरी उतरूंगी। बस इंतजार कीजिए सुबह तक की बॉर्न मीटिंग का।